दोस्तों कुछ लोग प्रोफेशनल एंटरटेनर होते हैं और कुछ लोग बाय नेचर एंटरटेनर होते हैं। वो जो भी करते हैं उनकी इस बात में कॉमेडी होती है। वह जो भी करते हैं उसे देखकर देखने वाले अपनी हंसी रोक नहीं पाते। और ऐसे ही वीडियो जब इंटरनेट के महासमुद्र में घूमते हैं तो उन्हें खोज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल और नेचुरल एंटरटेनर के वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी जिंदगी से रंज कुछ कम हो सके और उसमें हम हंसी के रंग घोल सकें। लेकिन इसके पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आपको हमारे मजेदार वीडियो की सूचियां लगातार मिलती रहेंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, यह बात कभी इंसानों के लिए कही जाती थी लेकिन आजकल यह बात टीवी के लिए सच में साबित हो रही है। अक्सर जब टीवी नहीं चलती है या फिर उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आने लगते हैं तो लोग उसे आगे पीछे ऊपर नीचे से ठोक कर सही कर लेते हैं। या भाई साहब भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, या अपने टीवी को डंडे से ठोक रहे थे मगर टीवी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने डंडा लेकर टीवी के ऊपर ठोक दिया। इसके बाद तो टीवी ऐसे चलने लगी जैसे कभी खराब ही नहीं हुई थी। अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाना किसी के लिए इतना ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है जितना कि इन भाई साहब के साथ हुआ। ये अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा रहा था लेकिन ना जाने क्यों चार्जर सॉकेट में फिट ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी किसी दूसरे ने मदद की लेकिन वह कुछ इस तरीके से की। इतना हॉरिबल हेल्पिंग हैंड आपने पहले कभी देखा है क्या? कुत्ते बिल्ली के बीच के खेल में फाइनली किसकी जीत होती है? अगर इन दोनों के बीच की लड़ाई हो जाती है तो जीत किसकी होती है? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि भाई जीत तो आखिर कुत्ते की ही होगी क्योंकि उसके पास ताकत बहुत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीत उसकी होती है जिसके पास अक्ल ज्यादा होती है, जैसा कि इस बिल्ली ने किया। दरअसल खेल खेल में बॉल सोफे के नीचे चली गई थी और जैसे ही कुत्ता बॉल निकालने के लिए उसके करीब पहुंचा तो वहां बैठी बिल्ली ने मौके का फायदा उठाया और कुत्ते पर दे दनादन तमाचों की बरसात कर दी। किसी के सॉक्स को स्मेल करना एक बहुत ही बुरा अनुभव होता है और यह बैड एक्सपीरियंस केवल हम इंसानों का नहीं होता बल्कि जानवरों का भी होता है। यहाँ यह कुत्ता किसी तरीके से इस आदमी के सॉक्स को स्मेल कर लेता है लेकिन जब उसकी बदबू से कुत्ते का मूड खराब होता है तो यह अपनी नाक पर अपना पैर रख लेता है। कहते हैं कि किसी भी जीव को सताना अच्छी बात नहीं है वरना उसका परिणाम जरूर आपको भुगतना पड़ता है। इन भाई साहब की शायद किस्मत खराब थी इसलिए इन्होंने जो हरकत की उसका परिणाम उन्हें तत्काल मिल गया। यह आराम से बैठे इस टिड्डे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उन्होंने जैसे तैसे इस टिड्डे को पकड़ तो लिया लेकिन उसे उठाने के तत्काल बाद ही उसे छोड़ दिया। डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ा। इसके बाद वो टिड्डा अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगा। वो उड़ता हुआ सीधा इनके कपड़ों पर ही जाकर बैठ गया। इसके बाद इस टिड्डे को पकड़ने वाले इन भाई साहब की क्या हालत हुई यह आप खुद ही देख लीजिए। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? ये भाई साहब बिना सोचे समझे फिल्टर यूज कर रहे थे मगर फाइनली फिल्टर का रिजल्ट देखकर इनकी तो पैंट गीली और निक्कर ढीली हो गई, गले से चीख निकल आती है। देखिए फाइनली इनकी हालत क्या होती है। But what is this new filter? ये लड़कियां जंगल सफारी का मजा ले रही थी। जिस कार में यह जंगल घूमने निकली थी अचानक उस कार की खिड़की से एक गधे ने अपना मुंह अंदर डाल दिया। इसके बाद तो गधे को देखकर यह लड़कियां बुरी तरह से चिल्लाने लगी। इन्हें चिल्लाता हुआ देखकर गधा भी चिल्लाने लगा, मतलब वही लड़कियों के सुर में सुर मिलाने लगा। कुछ लोगों को स्टाइल मारने का जबरदस्त शौक होता है, जैसे ही ये भाई साहब झूले पर बैठकर स्टाइल मार रहे थे लेकिन जब इनका बैलेंस बिगड़ा तो झूले की स्टाइल का कुछ ऐसा नतीजा निकला और ठीक इसी तरीके से ये भाई साहब सीढ़ियों पर सीधे सीधे उतरने के बजाय
उसकी रेलिंग पर बैठकर नीचे खिसक रहे थे और दूसरे भाई साहब इनकी वीडियो बना रहे थे। और जब उनका बैलेंस बिगड़ा वह सीधा सीधा वीडियो बनाने वाले कैमरे के ऊपर ही आकर गिर पड़े। अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर कुछ इस तरीके के सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं जिनमें आप अपना लगेज डालकर उन्हें स्कैनिंग के लिए अंदर भेज देते हैं और वह लगेज बैग जब बाहर आते हैं तो आप उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हरकतें सिक्योरिटी स्टाफ को भी चौंका देती हैं। इन भाई साहब को भी सिक्योरिटी चेक के लिए अपना लगेज भीतर डालना था मगर यह लगेज के साथ खुद ही भीतर चले गए और अपने सामान के साथ साथ खुद को भी स्कैन करा कर बाहर निकले। फुटबॉल पर किक मारने का मजा तो मैदान में ही आता है बरखुरदार। अगर मेले में फुटबॉल खेलेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पर शायद यह बात इन भाई साहब को ठीक से समझ नहीं आई। तभी तो उन्होंने फुटबॉल में सबसे बेहतरीन किक मारी और इनकी किक की बदौलत फुटबॉल मैदान को पार कर गई। जिस दुकानदार की दुकान पर वह फुटबॉल लगी होगी उसकी दुकान का तो कबाड़ा हो गया होगा और वह डेफिनेटली डंडा लेकर किक मारने वाले को ढूंढ रहा होगा। अगर किसी आदमी के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला हो तो डेफिनेटली आप उसे बहुत ही अमीर समझेंगे। तो जरा इस आदमी को देखिए, इसके पीछे भी गाड़ियों का एक लंबा काफिला है मगर यह खुद साइकिल पर जा रहा है। इतने अमीर आदमी को आपने पहले कभी देखा है क्या? जुगाड़ करने वाले भी कमाल क्या करते हैं बरखुरदार। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस साइकिल का एक टायर गड़बड़ हो गया था, तब इस भाई ने स्केट शूट का इस्तेमाल किया और कुछ इस तरीके से साइकिल बनाई कि दुनिया देखती रह गई। अब इसके जुगाड़ पर एक लाइक तो बनता है बरखुरदार, तो फिर देर किस बात की है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। यह भाई साहब इस लड़की को खुलेआम प्रपोज कर रहे थे लेकिन यह अपनी बॉडी से जरा हैवी टाइप के थे और जिस लड़की को प्रपोज मार रहे थे वह भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने बकायदा लड़की के सामने घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज मारने की कोशिश की और प्रपोज भी कर दिया। लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद वो लड़की इनको हग करने के लिए जैसे ही उठी उसी के साथ यह भी उठने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आप देखिए और मजा लीजिए। जिस तरीके से यह सड़क पर अपनी महबूबा के सामने चारों खाने चित हुए इसके बाद तो आप पक्का समझ गए होंगे कि भाई वेट लॉस करना कितना जरूरी है। यूं तो पानी पर सर्फिंग करना आसान काम नहीं है लेकिन फिर भी यह मैडम इस आसान काम को किसी तरीके से कर रही है। तभी इनका एक दोस्त इनके ठीक पीछे आ गया और मैडम के बैलेंस की बैंड बच गई और फाइनली मैडम गई पानी में। अक्सर आइसक्रीम देने वाले ग्राहकों के साथ जगलिंग किया करते हैं और यहाँ भी आइसक्रीम देने वाला कुछ ऐसा ही काम कर रहा था। ग्राहक को आइसक्रीम देने के बजाय उसे झांसा दे रहा था, कभी खाली कोन पकड़ा देता था लेकिन लगता है ग्राहक भी उसका बाप था। खाली कोन हाथ में लेते ही वह ग्राहक खाली कोन ही खाने लगता है। इस पर आइसक्रीम वाले को लगता है कि भाई जितनी की आइसक्रीम नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा पैसों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि भाई साहब तो खाली कोन ही खा रहे हैं। इसलिए फाइनली वो उसे आइसक्रीम दे देता है। आदमी का एक प्लाटून ड्रिल कर रहा था पर अचानक सड़क पर लेफ्ट राइट कर उनकी चलती हुई टुकड़ी के आगे एक कुत्ता आ जाता है। तब दूसरा ऑफिसर उस कुत्ते को भगाने के लिए कोशिश करता है तो कुत्ता सीधे सीधे आर्मी के जवानों के बीच में चला जाता है। इसके बाद क्या धमाल होता है आप खुद ही देखिए और मजा लीजिए। अचानक अगर किसी के सामने शेर आ जाए तो शेर ने ना तो आपको देखा हो और ना ही उसका ध्यान आपकी तरफ हो तो दबे पांव वहां से निकल लेने में भलाई होती है। यह बात एक लकड़बग्घे को जैसे ही समझ में आई उसने अपने दो पैरों को ऊपर टांगा और ऊपर दो पैरों के सहारे वहां से धीरे धीरे दबे पांव निकल गया। बस उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।